ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या बोलता है कि द फाइनल पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट आफ्टर इट हैज सफर्ड द नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इट विल बी रिवर्स्ड और इट विल बी रिट्रेस्ड इट्स पाथ एग्जैक्टली। क्या बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कि कोई भी लाइट जो है उस लाइट का जो फाइनल पाथ होगा द फाइनल पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट आफ्टर इट हैज सफर्ड सेवरल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इज रिवर्स इट रिट्रेसेस इट्स पाथ एग्जैक्टली। वो अपना पाथ क्या करेगी एग्जैक्टली रिट्रेस करेगी आफ्टर suffers the several reflection and refraction। ठीक है तो अब इसको कैसे हम प्रूफ कर रहे हैं जैसे ये लाइन है जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है ये आपका नॉर्मल एंड एन डैश क्या है नॉर्मल है एंड एन डैश। अब हम कंसिडर कर लें कि ये आपका रेयर मीडियम है और ये डेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। डेलाइट एंटर करी ठीक है अब एग्जैक्टली पाथ ये होना चाहिए था लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद पाथ ये हो ये लाइट का रिफ्रैक्शन हुआ। अब मैंने क्या किया इस रिफ्लेक्टेड पाथ रिफ्लेक्टेड रे के लाइट के पाथ में मैंने क्या कर दिया एक मिरर प्लेस कर दिया। क्या प्लेस कर दिया मिरर। तो जैसे ही मिरर्स पर लाइट इंसिडेंट होगी वो क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट रिट्रेस इट्स पाथ। तो फाइनल पाथ जो होगा वो एग्जैक्टली रिट्रेस होगा जिस पाथ से लाइट आई थी उसी पाथ से रिट्रेस हो जाएगी। ठीक है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब लाइट डेंसर से रेयर से डेंसर की तरफ आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आर लेकिन मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसका जब पाथ रिट्रेस होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आर और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा आई एंगल्स इंटरचेंज होगा। क्या हो गए एंगल इंटरचेंज हो। अब यदि मैं सब क्या अप्लाई करूं स्नेल्स लॉ एज लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर तो क्या बनेगा एन वन इंटू साइन आई तो मेरा साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो बना वो क्या बना एन टू बाय एन वन दैट इज एन टू वन क्या बना एन टू। बट अब मैं सेकेंड बार अप्लाई कर रहा हूं अप्लाई स्नेल्स लॉ एज लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर आफ्टर रिफ्लेक्शन तो क्या हुआ अब एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये हो गया एन टू इंटू साइन आर इज इक्वल टू एन वन इंटू साइन आई क्योंकि इस बार मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस आर है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई है तो अब मेरा रेशियो क्या होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर अपॉन साइन आई उल्टा हो जाएगा रेशियो क्योंकि जब मेरा
रिवर्स हुआ है, पाथ रिट्रेस हुआ है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा आर है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आई है, तो ये हो गया साइन आर अपॉन साइन आई, दैट इज एन वन अपॉन एन टू, दैट इज एन वन, ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू। अब यदि मैं वन और टू को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आया, साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू एन टू वन इंटू एन वन टू, तो साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल, तो एन टू वन इंटू एन वन टू इज इक्वल टू वन। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जनरेट होता है, और वो इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या है, देखो दैट एन टू वन, एन टू वन इज रेसिप्रोकल ऑफ एन वन टू, and this is called principle of reversibility of light. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये मीडियम मेरा फॉर एग्जाम्पल वॉटर है, जैसे ये वॉटर है और ये मेरा ग्लास है, ठीक है, तो n21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 की वैल्यू है 4 by 3 और N2 की वैल्यू है 3 by 2, वाटर के लिए 4 by 3 है और ग्लास के लिए 3 by 2, तो N1 by N2 क्या हो जाएगा 8 by 9, ये हो गया N1 की, और N21 की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 by 8, डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली ये चीज कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि N12 इज रेसिप्रोकल ऑफ N21 या फिर N21 इज रेसिप्रोकल ऑफ N12, इज इट क्लियर। अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो मीडियम के लिए, यदि आप इफ यू आर टेकिंग N नंबर ऑफ मीडियम्स तो इसमें यही आपका क्या रहेगा, लॉजिक यूज होगा। इफ आई एम टेकिंग अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम तो उसमें यही लॉजिक आपका क्या होगा, यूज होगा। दो मीडियम लू, तीन लू, चार लू, पांच लू, जितने मीडियम लूंगा तो उसमें यही लॉजिक यूज होगा। हर एक पेयर के लिए, फॉर एनी पेयर ऑफ मीडिया, आपका ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या होगा, यूज किया जाएगा। इज इट क्लियर। समझ में आया बेटा, आगे करें। जल्दी क्या सर, आगे करें ना बेटा। चलिए नेक्स्ट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। लाइट का रिफ्रैक्शन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, ठीक है, ये भी पॉइंट जो है वो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूनियन सेक्शन के अंदर, जो मैथमेटिकल पार्ट है वो हमें यहाँ डिस्कस करना है थोड़ा सा। जैसे इफ आई एम टेकिंग अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ली मैंने, दिस इज अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ए बी सी डी ऑफ विड्थ टी, विड्थ ऑफ स्लैब कितनी है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब आपको क्या दिया हुआ है, एन। अब जब लाइट ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट होगी, इट सफर्स रिफ्रैक्शन टू टाइम्स, लाइट का रिफ्रैक्शन दो बार होगा, एक बार ए बी सरफेस पर और एक बार सी डी सरफेस,
ऐसे देखिए, ये नॉर्मल ठीक है, लाइट आपकी इंसिडेंट हुई, ये इंसिडेंट रे, ये मीडियम एयर है, ये ग्लास और ये वापस एयर ठीक है। सो व्हेन द लाइट इज ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो अब एग्जैक्टली पाथ क्या होना चाहिए था, ये लाइट का पाथ होना चाहिए था, लेकिन लाइट क्या हुई, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो गई, ये लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया, ये एंगल आई, ये एंगल आर। अब जब लाइट सीधी सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो अगेन लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, दिस टाइम लाइट इज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, सो दिस टाइम लाइट इज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, ये सपोज ये मेरा एंगल I1 है और ये R1 है, तो ये मैंने एंगल ले लिया, ये मैंने ले लिया R2 और ये एंगल मैंने ले लिया E। एंगल E क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यदि लाइट का पाथ यदि हम लेबल करें, जैसे ये P, ये Q, ये R, ये S, तो एग्जैक्टली रिफ्रैक्शन की वजह से ये PQ आपकी इंसिडेंट रे होगी, QR रिफ्रैक्टेड रे, RS इज इमर्जेंट रे। पाथ इन एब्सेंस ऑफ ग्लास स्लैब पाथ क्या होता है, PQC और ये यदि आप ले लें तो N। देखिए लाइट का पाथ क्या है, PQRS। तो यहां दो चीजें डिटरमाइन करनी है, दो चीजें प्रूफ करनी है, एक कि दिस इमर्जेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होंगे, पहली बात। और दूसरा जो पॉइंट हमें यहां प्रूफ करना है वो क्या है, या कैलकुलेट करना है कि ये जो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का ये जो पाथ डिफरेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, the perpendicular distance between incident ray and emergent ray where light is incident yet refract from the glass slab, to ye jo perpendicular distance hai, ye point maine r liya hai, ye perpendicular distance, is perpendicular distance ko hum kya bolte hain, lateral shift, kya bolte hain, lateral shift, to ye lateral shift mujhe kya karna hai, calculate karna hai। क्या कैलकुलेट करना है, ये कितना लेटरल शिफ्ट हुआ, आर एम क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रे, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट, और ये लेटरल शिफ्ट मुझे कैलकुलेट करना है न्यूमेरिकली। तो देखिए मुझे दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा इक्वल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल। तो कैसे इक्वल कर रहे हैं, पहले मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं एट सरफेस पी क्यू, तो अप्लाई स्नेल्स लॉ एट सरफेस एबी, पी क्यू एबी, क्योंकि ये पहला रिफ्रैक्शन एबी सरफेस पर हुआ है, तो क्या हुआ, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और ग्लास का n है, तो 1 इंटू साइन आई वन इज इक्वल टू n इंटू साइन आर वन, तो साइन आई वन अपॉन साइन आर वन ये हो गया n,
ये इक्वेशन वन होगी। अब मैंने अप्लाई किया एट सरफेस सीडी, सीडी सरफेस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, तो ये क्या होगा, n2 इंटू साइन आर टू, सॉरी n2 नहीं, n इंटू साइन आर टू इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। अब देखिए साइन, देखिए आर वन और आर टू ये दोनों क्या है, इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैंने क्या किया, एंगल आर वन और एंगल आर टू इक्वल है, तो एन वन इंटू आर टू की जगह साइन आर वन रख दिया, इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। और देखिए एन इंटू साइन आर वन की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 इंटू साइन आई वन के इक्वल। किस इक्वेशन को आप चेक करें, तो एन इंटू साइन आर वन, एन इंटू साइन आर वन किसके इक्वल है, 1 इंटू साइन आई वन, तो ये किसके इक्वल हो गई, 1 इंटू साइन आई वन इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। तो साइन आई वन इज इक्वल टू साइन ई, तो आई वन इज इक्वल टू ई। तो ये चीज क्या बता रहा है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो गए, इक्वल हो गए। इज इट क्लियर? एनी डाउट बेटा? अब मुझे कैलकुलेट करना है लेटरल शिफ्ट। क्या कैलकुलेट करना है, लेटरल शिफ्ट। तो कैसे कैलकुलेट करूंगा लेटरल शिफ्ट, देखिए लेटरल शिफ्ट है मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना हुआ, देखिए ये आई वन है, ये आर वन है, तो ये एंगल हो जाएगा मेरा आई वन माइनस आर। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कितना हो गया, आई वन माइनस आर वन। अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल क्यू आर एम, क्या ले रहा हूं, ट्राइंगल क्यू आर एम, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर है, या ट्राइंगल क्यू एम आर, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसके अंदर मुझे आर एम कैलकुलेट करना है। आर एम मेरा क्या है, बेस, नहीं आर एम बेस नहीं हुआ, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, तो आर एम मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, बेस नहीं हुआ, आर एम परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हो गया साइन आई वन माइनस आर। देखिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो आर एम की वैल्यू क्या हो गई, क्यू आर साइन आई वन माइनस आर। और क्यू आर कैलकुलेट करने के लिए दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल लूंगा क्यू, ये मैं ले लेता हूं, ये एन यहां से हटा के एन यहां ले लेता हूं, तो ये होगा क्यू एन आर। तो ट्राइंगल क्यू एन आर इज अगेन राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्यू आर, क्योंकि देखिए क्यू आर की वैल्यू मुझे क्यू एन के टर्म्स में चाहिएगी, क्योंकि क्यू एन मेरी क्या है, विड्थ ऑफ द स्लैब, क्योंकि ये वैल्यू मुझे पता है। देखिए मुझे इस आर्टिकल के अंदर तीन चीजें पता है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस, दूसरा इस ग्लास स्लैब का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, और तीसरा इस ग्लास स्लैब की विड्थ। तो मेरा लेटरल शिफ्ट इन्हीं तीनों पैरामीटर्स में मुझे चाहिए। तो मुझे स्लैब की विड्थ पता है, तो मैं क्यू एन आर ट्राइंगल ले रहा हूं, और ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस, तो हाइपोटेन्यूस और बेस के बीच में रिलेशन होता है कॉस, जो क्या कॉस आर वन इज इक्वल टू
qn अपॉन qr, तो qr हो गया qn अपॉन cos r1, ये हो गया t अपॉन cos r1, qr की वैल्यू हो गई t अपॉन cos r1, और ये वैल्यू यहां प्लेस करी तो rm is equals to qr t upon cos r1 into sin i1 minus r1. sin i1 minus r1 को हमने ओपन किया t upon cos r1 sin a cos b minus cos a sin a. तो आर एम क्या हो गया टी, ये कॉस आर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया टी साइन आई वन माइनस कॉस आई वन माइनस कॉस आई वन इंटू टेन आर वन, क्योंकि साइन आर वन और कॉस आर वन क्या हो गया टेन आर वन. तो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया आर एम इज इक्वल टू टी इंटू साइन आई वन माइनस कॉस आई वन अपॉन टेन आर वन. तो टी हमारे को पता है, आई वन पता है, तो साइन आई वन और कॉस आई वन पता है, लेकिन मुझे टेन आर वन नहीं पता, मुझे टेन आर वन नहीं पता है. तो टेन आर की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ आई वन और एन. तो कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं देखिए, टेन आर वन हो गया साइन आर वन अपॉन कॉस आर वन, ठीक है. अब साइन आर वन तो हो गया साइन आई वन अपॉन एन, स्नेल्स लॉ अप्लाई किया यहां पर, तो साइन आई वन अपॉन साइन आर वन होता है एन, तो साइन आर वन हो गया साइन आई वन अपॉन एन, और कॉस आर वन क्या हो गया अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर आर वन, तो हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर आई वन अपॉन एन स्क्वायर, तो ये हो गया वन अपॉन एन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई वन, ये कॉस आर वन की वैल्यू. अब इन दोनों को डिवाइड करें, साइन आई वन और साइन आर वन और कॉस आर वन को डिवाइड करें तो टेन आर वन क्या आ जाएगा, वन और टू को डिवाइड करें तो टेन आर वन की वैल्यू आ जाएगी साइन आई वन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई वन. और ये वैल्यू आप यहां प्लेस कर दो, प्लेस कर दो यहां प्लेस करते हैं, तो ये आर एम की वैल्यू आ जाएगी लैटरल शिफ्ट टी साइन आई वन माइनस कॉस आई वन इंटू साइन आई वन अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई वन. ये आपका फॉर्मूला, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया इन टर्म्स ऑफ टी आई वन एंड एन, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लैटरल शिफ्ट होगी. Is it clear? Refraction of light through the glass slab. Any doubt? ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन. ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी फिनोमेना है वो न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे. ओके.